Hello friends, this is our next video lecture which is depend on nodal analysis. In this lecture we have to introduce nodal analysis method and its various steps. Nodal analysis, in case of nodal analysis we have four steps. Step 1, choose a reference node, look for the one with the most connection or at the bottom of the circuit. This is the symbol of ground, or you can say reference node. One with the most connection, जहाँ पे अपने सबसे ज़्यादा branch connection add होंगे, वहाँ पे अपन reference node decide करेंगे. Next is second point, define unknown node voltage. Those not connected to ground by voltage source. It means वहाँ पे नोड वोल्टेज लेंगे जो अपना ग्राउंड से कनेक्ट नहीं होगा वो नोड. एंड थर्ड इज KCL इक्वेशन एट ईच अननोन नोड, राइट? KCL इक्वेशन, नोड एनालिसिस इज टोटली डिपेंड ऑन KCL. सो इन केस ऑफ थर्ड स्टेप वी हैव टू राइट डाउन KCL इक्वेशन. नेक्स्ट स्टेप, फाइनल स्टेप, सॉल्व द सेट ऑफ इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ KCL. दिस इज अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल which is depend on node analysis. This is our random circuit. I will solve it. And in this circuit, first of all, choose a reference node. Reference node हम वहाँ पे लेंगे जहाँ पे हमारा कोई भी electric element connect ना हो, या फिर जहाँ पे अपनी more than branches meet कर रही हो, मिल रही हो. जैसे यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4, 5. So यहाँ पे अपने क्या लिया है, रेफरेंस नोड लिया है. देन नेक्स्ट स्टेप, डिफाइन द नोड वोल्टेज. डिफाइन द नोड वोल्टेज, यहाँ पे अपना क्या है, V1. सो ये V1 वोल्ट अपना यहाँ पे भी क्या है, नोड वोल्टेज सेट. सो ये भी अपना क्या है, वोल्टेज V1. यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज ले लिया VA, यहाँ पे एक वोल्टेज ले लिया VB, एंड दिस VB इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू करंट सोर्स एंड रेफरेंस नोड. देन अप्लाइंग द KCL एट द नोड विथ अननोन वोल्टेज. This is our node 1 VA equation. This is our node 2 VB equation with the help of VB. In case of first VA, so write down, this is our KCL equation with the help of KCL. देखिए यहाँ पे सबसे पहले V1 node पे outgoing क्या है और incoming क्या है वो देखेंगे. सबसे पहले outgoing equation की बात कर रहे हैं. According to KCL, incoming current equal to outgoing current. सो सबसे पहले हम आउटगोइंग की बात कर रहे हैं. आउटगोइंग इक्वेशन कैसे लिखते हैं, देखिए VA किस किस से कनेक्ट है, ये ब्रांच VA V1 वोल्टेज से, VA रेफरेंस नोड से, और VA VB से. तो आउटगोइंग वोल्टेज क्या हो, आउटगोइंग करंट क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या होता है, V/R. डेट्स वाई VA माइनस V1/R1, VA माइनस V1/R1. देन VA कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन विद द हेल्प ऑफ R2, सो VA/R2, बिकॉज रेफरेंस वोल्ट इट इज अवर ग्राउंड, जीरो वोल्टेज, डेट्स फाइव VA-0/R2. सो करंट इज VA/R2 हियर. नेक्स्ट स्टेप, VA इज कनेक्टेड टू थर्ड ब्रांच विच इज VA-VB/R3, VA-VB/R3. सो ऑल करंट आर आउटगोइंग करंट, एंड फॉर ए पर्टिकुलर नोड VA इनकमिंग करंट इक्वल टू जीरो, बिकॉज यहाँ पे कोई भी इनकमिंग करंट नहीं है, इसलिए इक्वल टू जीरो. फॉर राइट डाउन सेकेंड KCL इक्वेशन फॉर नोड VB. सो सबसे पहले आउटगोइंग लिखेंगे अपन, सेम स्टेप, VB-VA/R3. नेक्स्ट स्टेप, V ये रेफरेंस नोड से कनेक्ट है, जीरो है, ग्राउंड वोल्टेज जीरो, तो VB/R4 ये रहा. इसी तरह इसमें इनकमिंग करंट आ रहा है IS, सो आउटगोइंग करंट क्या है, ये दोनों ब्रांच से आउटगोइंग करंट आ रहा है और इनकमिंग करंट ये IS इसमें इन हो रहा है, मतलब एंटर हो रहा है, तो यह इनकमिंग करंट है. According to KCL, outgoing current equal to incoming current. That's why equal to incoming current is IS. So this is the simple procedure for finding KCL equation. Thank you, and subscribe this video and share this video.